संघर्ष समिति बना करके इस आवाज को बुलंद किया और कई दिनों तक हनुमान चालीसा का पाठ रोड पे बैठकर शनिवार को। उस समय पिछली सरकार ने इसको रोके रखा, लेकिन गत 5 वर्षों में यह क्रम आगे बढ़ा। उनका डिमांड नोट भी निकला, उनके पैसे भी जमा हुए और उनके कॉपी भी उनको वर्क ऑर्डर की पक्की दे दी गई। यहाँ के जांबाज जो रहवासी हैं, महिलाएं और पुरुष दोनों ने इसके लिए संघर्ष समिति बना करके इस आवाज़ को बुलंद किया और कई दिनों तक हनुमान चालीसा का पाठ रोड पे बैठकर शनिवार को करते रहे, इस लॉ को जगाते रहे। तो प्रयत्न किया तो तेलंगाना अपना अल्पसंख्यक छात्रावास तो यहाँ से उस समय शिफ्ट करवा दिया, लेकिन तेलंगाना हाउस में 5 साल तक तत्कालीन जो सत्ताधारी लोग थे वो इस पर मौन साधे रहे। इस पर उनकी ज्यों तक उनके कानों पे नहीं रहेंगी और ये काम होता रहा। मैंने जब चुनाव के समय मैंने घोषणा की कि मैं संकल्प पत्र भी संकल्प लिखा कि चुनाव जीतने के बाद पहला काम यहाँ से तेलंगाना हाउस नष्ट करवाऊंगा, और जैसे ही चुनाव हुए मुझे नया दायित्व मिला, मैंने प्रयत्न किया और कल ही इस तेलंगाना हाउस के निरस्त के आदेश जारी करवाए। इसके लिए निश्चित रूप से मैं आम जन के संघर्ष को भी सलाम करता हूँ, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। साथ में जो सरकार में हमारे सहयोगी लोग बैठे हैं उन सबका भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मेरे इस आग्रह को उन्हें स्वीकार करके इसको निरस्त किया। अब केवल जगह चेंज नहीं हुई है, पूरी तरह ये निरस्त हुआ है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है और जनता से मैंने वादा किया जो जो भी संकल्प पत्र में थे उसको निश्चित रूप से आगे बढ़ाऊंगा। उसी में चाहे साइंस पार्क है, चाहे रोडवेज का है, तो कई प्रकार की हैं, लेकिन अभी सरकार को बने शायद मेरे को भी बने 50 दिन से ज़्यादा नहीं हुए। 50 दिन में इसका निरस्त होना, ये जनता का निश्चित रूप से समय पे मुझे जो आशीर्वाद मिला और उससे सहयोग हुआ और उसी कारण सफल हो पाया। मैं सबको अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। आशा करता हूँ कि जन नागरिक हमेशा जागरूक रहें और जनप्रतिनिधि को जागरूक करते रहें तो हमेशा सुखद परिणाम पाए।